हम जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेजी से साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के जरिए मनुष्य की पहुंच विश्व के हर कोने तक आसान हुई है। हालांकि इसी तकनीकी उन्नति के साथ साइबर क्राइम में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी के बीच बीते कुछ दिनों से शहर में सेक्स टूरिज्म की खबरें भी सामने आई है। आखिर क्या है सेक्स टूरिज्म, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। फोन के इस्तेमाल से हमें जितनी सहूलियत मिली है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। जब से फोन में इंटरनेट आया है और फोन अपने फीचर्स की बदौलत स्मार्टफोन बन गया है, तब से फोन से ऐसे ऐसे काम किए जा सकते हैं जिन्हें करने के बारे में कभी सोचना भी नामुमकिन हुआ करता था। देश में जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल अधिक होता जा रहा है, वैसे वैसे ही साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब इंटरनेट की कीमत अधिक हुआ करती थी तो लोग ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल कम करते थे, लेकिन आज के दौर में सस्ते इंटरनेट ने लोगों को सभी कार्य ऑनलाइन करने पर उतारू कर दिया है। चाहे मैसेज भेजकर बात करना हो या फिर खरीदारी करना हो, यहाँ तक बैंकिंग लेनदेन भी आज के समय में ऑनलाइन काफी आसान तरीके से होती है। चाहे बात पैसा ट्रांसफर करने की हो या फिर किसी को जरूरी डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने की हो, यह सभी कार्य ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं। अब जब इतना कुछ जरूरी काम ऑनलाइन ही हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अपराधियों की भी नजर इस पर पड़ेगी और वह इसका गलत फायदा उठाएंगे। सोशल मीडिया पर निजी डेटा चोरी होने और ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट भुगतान में लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हो रहा है। इस तरह के क्राइम को साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है। आए दिन साइबर क्राइम के बारे में सुनने को मिलता रहता है। इसी साइबर क्राइम के बारे में शहर के साइबर क्राइम सेल के अधिकारी अशोक बागुल ने अधिक जानकारी साझा की। जी सही कहा आपने, अभी जैसे कि हम सबको पता है साइबर क्राइम काफी लेवल तक बढ़ चुका है एंड इट कैन बी वेरी इजीली कॉल्ड एज वन ऑफ द सीरियस मोस्ट थ्रेट टू द एंटायर ह्यूमन काइंड, क्योंकि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके ये क्राइम किया जाता है, जिसमें कि ट्रेडिशनल क्राइम में जिस ढंग से हमको सीन ऑफ क्राइम पे विक्टिम के साथ एक्यूज को हाजिर रहना जरूरी होता है, अदरवाइज वो क्राइम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन, डेकोटी, रॉबरी, किडनैपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस टाइप की हालत साइबर क्राइम में नहीं होती है। साइबर क्राइम कैन बी कमिटेड बाई एनीबडी हु इज सिटिंग इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद एनीबडी हु इज सिटिंग इन द अनदर रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी कोने में जो भी आदमी बैठा है वो दुनिया के किसी दूसरे कोने में जो आदमी है उसके साथ क्राइम कर सकता है। तो इसको टैकल करने के लिए हमको सबसे पहले तो अपना इन्फॉर्मेशन, अपना नॉलेज और अपना अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। ऐसे में जनता को रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे सिटी आदरणीय श्री अमितेश कुमार सर, हमारे एडिशनल सिटी क्राइम आदरणीय श्री सुनील कुलारी सर, हमारे डीसीपी आदरणीय श्री माता सर, इन्होंने इसके बारे में काफ़ी मेहनत लेके प्लान बनाया हुआ है। हमारे साइबर पोल्यूशन के सभी ऑफिसर्स एंड मैन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बट चूंकि क्राइम के अलग अलग ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, मोडस ऑपरेंडी बदलते रहती है, अकॉर्डिंगली हमको उसके प्रिवेंशन और डिटेक्शन के और अवॉइड करने के तरीके ढूंढना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है ये जानना कि कैसे हम अपने आप को साइबर लिटरेट बनाएं, कैसे हम अपने आप को साइबर सेफ बनाएं, ताकि हम ना सिर्फ सेक्सटॉर्शन जो कि एक नया ट्रेंड है, बल्कि सोशल मीडिया फ्रॉड्स, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स, एवरी काइंड ऑफ साइबर क्राइम से हम अपने आप को बचा पाए। जैसे कि आपने पूछा, अभी एक थोड़ा नया ट्रेंड आया है जो कि काफ़ी रैम्पेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग पुलिस में कंप्लेंट कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा मॉरल, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशन, ये कभी कभी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है और हर आदमी ये चाहता है कि हमारी बेइज्जती, हमारी बदनामी ना हो। तो ये ट्रेंड यही ध्यान में लेके कुछ साइबर क्रिमिनल्स ने, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स हम इनको बोल सकते हैं, माफियाज बोल सकते हैं, ऐसे लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उनका ये मोडस होता है कि अननोन नंबर से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, या तो फेसबुक पे हो सकता है या व्हाट्सएप पे या दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम। जहां एक ओर डिजिटलीकरण के कारण लेन देन बढ़ा है, वहीं लोगों को ऐसे टेक्नोलॉजी से सतर्क रहने की भी जरूरत है।
साइबर अपराधियों ने अब एक नया ट्रेंड चालू किया है जिसमें लोग न सिर्फ ब्लैकमेलिंग और ठगी का शिकार हो रहे हैं बल्कि आत्महत्या तक कर रहे हैं। दरअसल यह फ्रॉड करने वालों की ओर से आपके फेसबुक, व्हाट्सएप आदि सोशल साइटों पर आपको अचानक एक वीडियो कॉल आती है। जब आप कॉल रिसीव करते हैं तो दूसरी ओर कोई लड़की या औरत होती है। वो कुछ ही सेकंड में अपने वस्त्र उतार देती है और जिसकी वह फोन पर रिकॉर्डिंग कर लेती है जिसमें आपकी फोटो भी स्क्रीन पर दिख रही होती है। उसके बाद वही वीडियो आपके मोबाइल पर दोबारा सेंड कर दी जाती है और इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाती है जिसके चलते लोग घबरा जाते हैं। ठगों द्वारा उनके बैंक अकाउंट में रुपए डालने की बात कही जाती है। कुछ लोग इस जाल में फंस जाते हैं। फंसने के बाद रकम उसके अकाउंट के खाते में दे दी जाती है। जिन लोगों के ज्यादा फ्रेंड्स या पॉपुलर होते हैं या ज्यादा अमीर होते हैं उन लोगों को यह लोग अपना निशाना बनाते हैं। यह सभी लोग फेसबुक और व्हाट्सएप को साइबर क्राइम के जरिए रीड करते रहते हैं। इस अपराध को साइबर क्राइम की भाषा में सेक्सटॉरिज्म कहा जाता है जिससे बचने की हिदायत साइबर सेल की ओर से दी जाती है। टेलीग्राम वाटर सिग्नल जिसके ऊपर आपको मैसेज आता है और आपको एक सुंदर लड़की का फोटो उसमें दिखता है या लड़के का भी और आपको ऐसा बोला जाता है कि आप मेरे साथ दोस्ती करोगे और फिर धीरे से अगर किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो धीरे धीरे वो चैटिंग बढ़ते जाता है। इंटरनेट तरह का चैटिंग हो सकता है, कुछ बातें पूछी जाती है, उन बातों का सही जवाब या पॉजिटिव जवाब अगर इन्होंने दिया तो फिर उसको बोला जाता है कि आप वीडियो कॉल कीजिए या आपको वीडियो कॉल आता है और फिर उस वीडियो कॉल पे सामने से उस लड़की की तरफ से या किसी और की तरफ से अश्लील हरकतें होती है, रिमूवल ऑफ द क्लोथ्स एंड अदर यू नो हीनस एक्टिविटीज आर कंडक्टेड और उस वीडियो का रिकॉर्डिंग करके ये बोला जाता है कि आप भी अपने कपड़े निकालिए या आप भी कोई ऐसी हरकत कीजिए जो कि प्राइवेट लाइफ में ही हम करते हैं और वो बोला जाता है कि आप बाथरूम में जाइए, बेडरूम में जाइए, दरवाजा बंद कर लीजिए, कॉन्फिडेंशियल रखिए। इन सब बातों का अगर विक्टिम आप बने, अगर इन सब बातों को आपने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया तो फिर वो वीडियो चालू होने के बाद उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है। थोड़ी देर बाद वही वीडियो का जैसे वो खत्म होता है वो वीडियो का क्लिपिंग या स्क्रीनशॉट्स आपको भेजे जाते हैं और फिर आपको पूछा जाता है कि ये वीडियो हम वायरल कर देंगे आपके फेसबुक फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ पे भी आप यूट्यूब, जहाँ जहाँ पे भी आप एक्टिव हो या ना हो वहाँ पे हम इसको वायरल कर देंगे। अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप इतना पैसा दीजिए वगैरह वगैरह। इसको ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शन का एक रैकेट हम बोल सकते हैं, इसीलिए उसको एक नया टर्म कुछ लोगों ने दिया है जिसको कि हम सेक्सटॉर्शन बोल सकते हैं। ये एक तरीका है कि सीधा सीधा आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। दूसरा ये भी है इसमें कि लोग खुद टिंडर है या कोई ऐसी कुछ वेबसाइट्स है जिसमें कि पर्सनल कॉन्टैक्ट आप कीजिए, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, ऑपोजिट सेक्स महिलाएं या पुरुष मिलेंगे, ऐसी एड्स आती है, डेटिंग वेबसाइट जिसको बोल सकते हैं। डेटिंग वेबसाइट पे बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं, वो जाते हैं और डेटिंग वेबसाइट पे ओपन करने के बाद आपकी कुछ जानकारी उनको दी जाती है, उनकी कुछ जानकारी आपको मिलती है, आपको पूछा जाता है कि किस टाइप का पार्टनर आपको चाहिए, फिर आपको चॉइस दिए जाते हैं, कैटेगरी दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है। आपको लगता है कि ये तो हम भी चाहते हैं तो फिर धीरे धीरे आगे जाने के बाद आपको फला नंबर आता है, उस नंबर पे आपको बोला जाता है कि आप कॉल कीजिए। कभी कभी लड़कियों के या महिलाओं के अर्धनग्न चित्र या वीडियोस या अश्लील वीडियोस एपिक्स उसमें होते हैं। बहुत सारे लोग डेटिंग वेबसाइट से खुद जाते हैं, उनको कोई कंपेल नहीं करता है और फिर वो इस हनी ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। जैसे ही वो शिकार होते हैं उनको ये सब बातें भेजी जाती है और ब्लैकमेलिंग किया जाता है। यह सच है कि अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ता इस तथ्य पर ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी जानकारी को हैक किया जा सकता है और ऐसे लोग शायद ही कभी अपने पासवर्ड को बदलते दस्तावेज की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वे सतर्क होकर इंटरनेट का उपयोग करने के विषय में जागरूकता नहीं रखते हैं और अपनी जानकारी पर साइबर हमले को लेकर सचेत रहते हैं और इसी के चलते तमाम लोग अनजाने में साइबर अपराध की चपेट में आ जाते हैं। हमें अपने आप को और दूसरों को इसके निवारक उपायों को लेकर शिक्षित करना चाहिए ताकि हम और आप एक व्यक्ति या व्यवसाय के रूप में खुद के बचाव के लिए सतर्कता बरत सके। तो मेरी आपके माध्यम से जनता को रिक्वेस्ट है कि साइबर क्राइम में और ट्रेडिशनल क्राइम में यही फर्क है
कि साइबर क्राइम जब तक आप खुद कुछ गलती नहीं करते हो, मैलिशियस कॉल, मैलिशियस एसएमएस, मैलिशियस मेल, इसको आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, कोई भी लिंक आपको डाउनलोड करने के लिए, क्लिक करने के लिए बोला जाता है, उसको आप क्लिक नहीं करते हो, तब तक आप उनके टैक्टिक्स का शिकार नहीं हो सकते। तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप समझिए कि ये उनका एक तरीका है आपको लूटने का। तो अगर जब तक आप ये नहीं करोगे, आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। अगर इतना केयर, इसके बारे में हमने अभी तक करीब 125 वेबिनार्स हम ले चुके हैं, नागपुर सिटी साइबर पुलिस स्टेशन की तरफ से जितने वेबिनार्स हुए हैं अभी तक, जिसमें कि डिटेल जानकारी दी गई है, नॉट ओनली अबाउट सेक्सटॉर्शन बट अबाउट ऑल क्राइम, साइबर क्राइम। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज साइबर लिटरेसी, वॉट इज साइबर सेफ्टी, वॉट आर द यूज डूज एंड डोंट्स ऑफ यूज ऑफ इंटरनेट, वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, वॉट आर द डिफरेंट मोडस ऑपरेंडिज ऑफ साइबर क्राइम, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हाउ टू प्रिवेंट अवॉइड बींग विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम और प्रिवेंट कमिटिंग सच साइबर क्राइम इन इग्नोरेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये सब होने के बावजूद भी अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है, तो आप उसको रिपोर्ट कैसे करें, जिसको कि इंसिडेंट रिपोर्टिंग बोला जा सकता है। तो इंसिडेंट रिपोर्टिंग तीन तरह का होता है, आप फिजिकली किसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा सकते हो, या आप ऑनलाइन कंप्लेंट दे सकते हो। एनसीसीआरपी पोर्टल है, आप उसके ऊपर गूगल के ऊपर टाइप कीजिए एनसीसीआरपी, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उसमें आपको कंप्लेंट किस ढंग से ऑनलाइन की जाती है, इसकी पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। एंड थर्ड टाइप इज यू कैन कॉल एंड रजिस्टर योर कंप्लेंट, दैट इज 1800-111-4949, एक टोल फ्री नंबर है, इसके ऊपर आप फोन करके कंप्लेंट भी दे सकते हो। तो मेरी जनता को रिक्वेस्ट है कि साइबर क्राइम का कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका है अवेयरनेस, नॉलेज और इंफॉर्मेशन को बढ़ाना। जब तक आप इसको नहीं बढ़ाओगे, तब तक बड़े दुख के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका शिकार कोई भी हो सकता है, बड़ा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, मर्द पुरुष, अमीर गरीब, स्ट्रांग वीक, हर कोई इसका शिकार होता है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, यू नो, लॉयर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इवन सम पुलिस ऑफिसर्स, जुडिशियरी के कुछ सम्माननीय सदस्य, साइंटिस्ट, हर कोई इसका शिकार अभी तक हो चुका है, इसके आगे भी हो सकते हैं। तो मेरी जनता को रिक्वेस्ट है कि ये बातें अगर आपको सही लगती है, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार और प्रसार कीजिए, क्योंकि अगर ये बातें पता चली, तो हम अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। इसमें मीडिया का रोल बहुत बड़ा है, हम मीडिया को थैंक यू बोलते हैं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितना पॉजिटिव बातें, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की या कोई गलत न्यूज देने की या रूमर्स के ऊपर विश्वास रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट जो सच्चाई है उसके ऊपर जानकारी लेना और उसका अमल करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। कंप्यूटर और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग ने तकनीकी क्षेत्र में हमें बहुत आगे पहुंचा दिया है। आज हमारी डेली लाइफ काफी हद तक इस पर डिपेंड है। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में तेजी के कारण आज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये तकनीकें अपने साथ कई फाइनेंशियल और सिक्योरिटी थ्रेट्स भी लेकर आई है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साइबर क्राइम या साइबर अपराध एक ऐसा खतरा है जो बीते कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है और इसने दुनिया भर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे बचे रहना ही समझदारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की स्पेशल रिपोर्ट।